महाराष्ट्र चीफ आन एंड कुछ सरप्राइज असाजे नितिन भाई सब जला वो असा पो बुदाइनासन पर फिलहाल अज इन एपिसोड में असा इतरा लकी आयो कि अज असा बीच में नितिन भाई साहब आया सर आई वुड लाइक टू टेल यू बिफोर यू आर कमिंग ऑन दिस शो व्हाटएवर कमेंट्स एंड मैसेजेस आई एम गेटिंग इट फ्रॉम द डे बिफोर यस्टरडे they are overwhelming to just waiting for to listen Nitin bhai sahab vishwas kariye sir hum nanik bhai sahab ka bahut bahut shukrgozar hain ki aaj Nitin Gadkari sahab jinhe hum apna future prime minister samajhte hain sir very honestly hamari community aapko bahut pyar karti hai aaj 97 countries mein aaj hamare jitne bhi bhai behan aapko sun rahe hain wo dil se dua karenge aur jaise aap baat karte hain ki dil ki baat dil tak pahunchate hain sir आज मैं सबसे पहले हमारे नेशनल चेयरपर्सन विश्व सिंधी सेवा संगम विंकी रुगवानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो फॉर्मली एक मिनट के लिए सबका वेलकम करेंगे विंकी रुगवानी जी अपने आप को अनम्यूट करिए या कैन आई स्पीक विंकी रुगवानी जी अनम्यूट करिए अच्छा म्यूट करिए भैया म्यूट करिए विंकी भैया म्यूट किया मैं ऑलराइट जब तक विंकी भैया का अनम्यूट होता है मैं सिमरन आहूजा से कहूंगा कि पहले हमारे भाई साहब नानिक रूपानी साहब का इंट्रोडक्शन करके उनको स्क्रीन पर लेकर के आए जय झूलेलाल असांखे अॼु तमामु ख़ुशी आहे एंड वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव विद अस आवर लेजेंड श्री नानिक रूपानी जी ही क्रिएटेड अ मार्क फॉर हिमसेल्फ ऑन द इंटरनेशनल अरीना और जाने जाते हैं एज द ग्लोबल आइकॉन आई डेफिनेटली मस्ट मेंशन दिस दैट द फोर्थकमिंग इवेंट व्हिच हैज बीन ऑन जो 36 सालों से चल रहा है द वेरी प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल प्रियदर्शनी अकेडमी अवार्ड्स is already been announced on the September 19th and main zarur kehna chahungi that being a global icon he's truly done and believed in the best of perceptions aur unhone wo sari perceptions ko reality bana di ji ha aaj hamare sath hain hamare legend shri nanak ji ji jo ek jane mane hasti to hain hi lekin usse zyada jo philanthropic kaam wo karte hain desh ke liye इंटरनेशनल अरीना में चाहे वो इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स हो या कोई भी इंटरनेशनल एंटिटी हो जरूर कहना चाहूंगी वी आर ट्रूली प्राउड ऑफ आवर जेंटलमैन मे वी प्लीज वेलकम होल्डेड हैंड्स आवर जेंट श्री नानिक रूपानी जी थैंक यू हां नानिक भाई साहब की रिक्वेस्ट करता हूं भाई नानिक भाई साहब वेलकम करा जय झूलेलाल जो भैया गोपाल दास जी प्रताप मोटवाणी जी विजय केवल रामानी जी और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे आदरणीय हमारे अपने कैबिनेट मंत्री नितिन जी गडकरी जिनके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और एमएसएमई दोनों का जिम्मा है आदरणीय नितिन जी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हम इसी शहर के हैं जिसके आप सांसद हैं और आपने न केवल शहर का पर पूरे देश का काया पलट किया है पूरे देश में जितनी भी आज हम सड़कों का जाल देख रहे हैं वो आपकी वजह से है वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट इस परिकल्पना जिससे इथेनॉल जैसी कई इनोवेशंस आपने किए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हार्ट के आपने हजारों ऑपरेशंस करवाए हैं आंखों के आपने हजारों ऑपरेशंस करवाए हैं और सिकल सेल थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपने जो राशि दी है मदद दी है जिससे उनकी जिंदगी सुधरी है इसका साक्षीदार मैं स्वयं हूं आप जाति धर्म पंथ सबसे ऊपर पहुंचकर आपने मानव सेवा को अपना एक जीवन बनाया है आज आपका मार्गदर्शन का हमें लाभ मिल रहा है हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करते हैं आपका स्वागत है आदरणीय नितिन गडकरी जी थैंक यू वेरी मच विंकी भैया भारती आदरणीय सम्माननीय ट्रूली लीजेंड द जेंटलमैन
हमारे श्री नितिन गडकरी जी का द जेंटलमैन शो में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू भारती। मैं नानक भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले शुरुआत नानक भैया से करें, फिर हम नितिन भाई साहब की तरफ जाएंगे। नानक भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नो वर्ड्स, थैंक नितिन गडकरी हु इज माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, and we have spent lot of time together, even many foreign countries I had an opportunity to be with him, and I think he is one of the best performing minister, at least what I have seen. My whole life has been with politicians, I have worked with many ministers and many members of parliament, but this, he is totally different. He loves challenges. For him, there is nothing like impossible. He makes everything impossible into possible. And I don't know, we met when Bombay Pune road was being made, and I have been interacting with so many ministers there. And Bombay Pune road was impossible. So many leaders had said that hum ye karenge, wo karenge. But I don't think they were able to do anything. Even for Nitin Gadkari, we thought it would be very difficult for him to make Bombay Pune road, because there was a hue and cry of environment ki ye chidiya idhar mar jayegi, ye hoga, wo hoga, lot of. And Gadkari ji called us, and I had called Nana Chudasuma, and I said, Gadkari ji, ye kya hai? To bola, you, why don't you? So we spoke with many environment, and we were able to convince them that there are nothing like that, that things will happen. And we were able to really, I don't know, a lot of roadblocks were there. Some farmers were not giving their land, and some politicians were also putting a lot of hindrances. But I have seen him. Even if you see infrastructure projects, I don't think anybody can even dream of what he has done. I don't think it is possible. Or Bombay Pune road, to hum bola bahut badi cheez hai. Abhi inke paas to 10 lakh crore ke projects bata rahe hain. Aaj tak koi lakh project, lakh rupee project ka nahi kiya. But I will not take much more time, but we are honored, our whole Sindhi community is honored, and I have seen him. Wo kabhi unke liye na cheez hoti nahi hai. Mujhe ek, I want to tell you one very important decision before I give up. Mera Priyadeshni Academy ka awards function tha, jaisa abhi 19 September hai, Gadkari ji hamare chief guest hai, ye time viral hoga. To last minute mein ek minister ne bola, aap ye function Sahyadri mein nahi kar sakte hain. मैंने एल के आडवाणी जी आए थे, सुकार्नो पुत्री इंडोनेशिया की जो प्रेसिडेंट होने वाली थी वो थे, और बहुत से वीआईपी, और हमारी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया लास्ट मिनट पे। तो गडकरी जी के पास मैं गया, मैं बोला गडकरी जी, ये तो हमारा डिनर हमने अनाउंस कर दिया, सब लोग आने वाले हैं, एल के आडवाणी है, चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी है, आप है। बोला देखो, ब्यूरोक्रेट का काम है रिजेक्ट करना, हमारा काम है उसको अनुमति देना, हम परमिशन, डोंट वरी। So I've never seen a minister like him. Really, it is a great honor, and I have no word to thank him. Really grateful. हमारे महाराष्ट्र के चीफ प्रताप मोटवानी साहब, मैं चाहूंगा अगर आप चाहें तो एक मिनट के लिए अभी से उनको धन्यवाद कह दें सर, पता नहीं फिर कहीं, क्योंकि एक घंटे के अंदर ये लाइन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रताप भैया, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो अनम्यूट करें मोबाइल को, अपने मोबाइल को अनम्यूट करें, मोबाइल को अनम्यूट करें सर जी। प्रताप भैया नहीं, आवाज नहीं आ रही है प्रताप भैया की। ऑलराइट, सो मैं प्रताप भैया को फिर बाद में फिर तकलीफ दूंगा। तो आज हमारे बीच में ऑनरेबल आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहब, जिनको बहुत दिल से हमारी कम्युनिटी सर आपको बहुत दिल से प्यार करती है और दुआएं करती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके आने के पहले इतने मैसेजेस और इतने कमेंट्स जो कि पहले आ गए, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अब आएंगे वो आपके पास दे दिए जाएंगे। नितिन भाई साहब, सबसे पहले मैं हमारी कम्युनिटी की तरफ से आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं कि नितिन भैया, जिन्होंने अपना करियर एज ए स्टूडेंट शुरू करके आज द नितिन गडकरी साहब बनकर के जहां आए हैं, तो सर इसके बीच की, ताकि आपका ये इंस्पिरेशन नई जवान पीढ़ी को कम से कम मोटिवेट कर सकेगी सर, कि कहीं ना कहीं आपके कम से कम इतना तो आप तक आ ही जाए सर, उनके बारे में मैं चाहूंगा आप थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताएं सर। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड-19 में आप सब लोग सुरक्षित रहें
और भगवान आपको सबको सुरक्षित रखे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। मैं 1975 में जब इमरजेंसी आई तब कॉलेज में प्रथम वर्ष के लिए गया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि और स्वाभाविक समय उस समय बहुत ही खराब था, आप सब लोग सुरक्षित, बीजेपी आरएसएस और देश के अनेक राजनीतिक पार्टी के नेताओं को मीसा के अंदर अरेस्ट किया गया था, और उस समय मैं संघ का भी स्वयंसेवक था और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था एबीपी का, तब तो मैंने भी उसमें संघर्ष में उस साल मैंने परीक्षा नहीं दी, समय बहुत ही खराब और वो संघर्ष में मैं उतर गया बीजेपी आरएसएस, और बाद में मैं विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था, नेताओं को विजय केवल रामानी बैठे बाजू में के अंदर अरेस्ट किया गया, एक रेस्टोरेंट था नासिरानी चौक पर, तो वहां हम लोग हाफ चाय पीते थे, और वहीं वो स्टूडेंट फील्ड में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के लिए मैं खड़ा था, तो इनका रेस्टोरेंट मेरा ऑफिस जैसा बन गया था, वही हम लोग रात को मिलते थे सब लोग, पर हमारी भीड़ इतनी आती थी कि इनका होटल चलना बंद हो गया, और हम केवल हाफ हाफ चाय पीते थे तो नुकसान में आ गए। तो इन्होंने कहा कि अब क्या करना, तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हम लोग कुछ तो भी उपाय ढूंढेंगे। तो मैं उस समय लॉ में पार्ट वन में था, तो फिर हमने तय किया कि भाई कई स्टील फर्नीचर का एक दुकान डाल दे, तो मैं मेरे मित्र के पास गया कि तुम उधारी पर अलमारी और सब फर्नीचर दो, ये चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको पहचानता नहीं, इनको उधारी पर नहीं दूंगा, आप अगर होंगे तो दूंगा। तो फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप भी पार्टनर बनो, और हम दोनों ने मिलकर एक स्टील फर्नीचर के दुकान की शुरुआत की। फिर उसके बाद में बाजू में भी एक दुकान खरीद किया, और फिर कूलर और फर्नीचर की एक छोटी फैक्ट्री भी मैंने घर में शुरू की, बाद में बंद कर दी, और वो करने के बाद फिर MIDC में भी मैं इंडस्ट्री भी खोली, और वहां से फिर उसके बाद मैं अपने व्यावसायिक जीवन में मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का भी कोर्स पढ़ा, और इधर मैं बीजेपी का भी काम कर रहा था। तो उसी समय मेरी उम्र जब 26 साल की थी, तो मैं MLA के लिए खड़ा था, और उस समय गेव आवारी करके हमारे यहाँ नागपुर में अच्छे नेता है कांग्रेस के, उनके खिलाफ वेस्टर्न नागपुर में खड़ा था। और फिर मेरी पहले उसके पहले स्टूडेंट्स यूनियन के लिए डॉक्टर श्रीकांत जिचकार और मैं दोनों लीडर थे, हम अच्छे मित्र थे, और मैं उनके खिलाफ लड़ा था, और फिर स्टूडेंट लीडर से फिर मैं पॉलिटिक्स में आया, तो जनता पार्टी थी उस समय, और उसके बाद बीजेपी में आया। तो वैसे मैं खेती में मेरा इंटरेस्ट था, बाद में मैंने शुगर फैक्ट्री का विदर्भ का विकास होना चाहिए करके उसके उसमें इंटरेस्ट लिया, और फिर धीरे धीरे मैं राजनीति में आते हुए पार्टी में छोटे लेवल से लेकर फिर मुझे काफी पार्टी का अध्यक्ष होने तक किस मुझे अवसर मिला। और अभी नानिक भाई ने बताया कि जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई शिवसेना बीजेपी की उस समय, तो मुझे PWD मिनिस्टर बना मैं रोड का, तो मुंबई के 55 उड्डान पुल, वरेली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये बनाने का सौभाग्य मिला। तो स्वाभाविक रूप से उन कामों के कारण फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाकर, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने गांवों को जोड़ने के लिए योजना बनाने के लिए कहा, और नेशनल हाईवे पर भी मुझे कुछ काम करके कुछ सलाह मांगी। तो मैंने NHI का ढांचे के बारे में कुछ उनको सुझाव दिए, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आज फ्लैगशिप योजना है, वो मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, और मैंने वो योजना अटल जी को सबमिट की, और उन्होंने बाद में उसका क्रियान्वयन किया था। तो स्वाभाविक रूप से काम करते करते आज मैं यहाँ तक आया हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसलिए सही राजनीति का अर्थ पावर पॉलिटिक्स नहीं है, तो सेवा के क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में कंस्ट्रक्टिव काम करना, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। इस बात को मैं उसी प्रकार से भाव में काम करता रहा हूँ। अभी हम लोग 1100 एकल विद्यालय चलाते एक ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ, गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, हमारे करीब 1000 टीचर हैं, और वहाँ जंगलों में जहाँ जाना मुश्किल है, आपको मालूम है कि गढ़चिरौली जिले का जो नक्सलाइट बेल्ट था वहाँ कोई जाने भी नहीं, वहाँ हमारे टीचर काम करते हैं, और मैं मेड़घाट
और जो जो ट्राइबल एरिया है वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी सेवा का काम करता हूँ और मैं वैसे भी पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर हूँ और मैं पॉलिटिक्स को पसंद भी नहीं करता, न मुझे झूठ बोलना आता है, न मैं कोई पॉलिटिक्स के लिए किसी के तो मैं कोई किसी की कृपा मिले, अपना बायोडाटा मैंने कभी किसी को दिया नहीं, कोई जाने भी नहीं। तो मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, पर मैं अब सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे डॉक्टर रुगवानी जी ने बताया, ये भी अच्छा काम करते हैं बहुत जी, तो इन्होंने अलग अलग इसमें बच्चों के लिए जो विशेष रूप से वो काम करते हैं, उसके मेडिसिन नहीं थे बेचारे, बहुत डॉक्टर रुगवानी जी काम करते थे, तो जो भी ऐसे काम करते हैं उन लोगों को मैं सपोर्ट में खड़ा रहता था जी। और मैंने कभी जात पंथ धर्म भाषा नहीं देखी, और मैं ये मानता हूँ द ट्रू मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स इज राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण जी। और इसीलिए इस भाव से मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैंने धीरे धीरे काफ़ी सेक्टर में काम किए हैं और इस अनुभव से भी मुझे काफ़ी सीखने के लिए मिला है। तो अभी देश में भी मुझे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो काम करने के लिए अच्छा मौका मिला, शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, गंगा को शुद्ध करने का मौका मिला, जलमार्ग मैंने बनाया गंगा का पहला, वो अनुभव मुझे मिला, और मैं रोड सेक्टर में भी अब दिल्ली से मुंबई हाईवे बना रहा हूँ। नानिक भाई तो बात कर रहे थे मुंबई पुणे की, वो बहुत छोटा रोड था, वो 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का था और वो भी 6 लेन था, अभी मैं 12 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट कर रहा हूँ दिल्ली से मुंबई बना रहा हूँ, लगभग काम शुरू हो गया, 2.5 साल में पूरा हो जाएगा, और दिल्ली से मुंबई जल 12 घंटे में आप जाओगे। गंगा का पहला वो अनुभव मुझे मिला। स्वाभाविक रूप से मैं दिल्ली से कटरा यानी कश्मीर जाने का रोड बना रहा हूँ, वो भी काम अभी शुरू होगा। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 40-45 मिनट में आएंगे, ये दिसंबर तक रोड पूरा कर लूंगा दिल्ली मेरठ हाईवे। इसमें 16 लेन का रोड है दिल्ली में बनाया हुआ, और मुझे काफी टनल्स बड़ी बड़ी बना रहा हूँ, झोजिला करके लद्दाख लेह को जोड़ने वाली टनल बना रहा हूँ, जो 8,000 करोड़ में एस्टिमेट आया था, मैं वो 5-5.5 हजार करोड़ में बना रहा हूँ, तो मैंने उसमें काफी इंटरेस्ट लेकर उसकी कॉस्ट कम कराई। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए हम 6 महीना ही जाते थे, अब साल भर जा सकेंगे, ऐसा रोड टनल्स ये वो काफी नया रोड बना रहा हूँ, वो भी लगभग मुझे लगता है 6-8 महीने में, साल भर में पूरा होगा, तो कभी भी आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा सकोगे। तो मुझे बहुत इनोवेटिव काम करने का मौका मिला, और देश के लिए कुछ काम करना चाहिए, अपना घर परिवार को सुरक्षित रखकर देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए, जो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसके खिलाफ हम कुछ काम करके दिखाए हैं, यही हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि राजनीति में हमने हमारे तरफ से हमें कुछ टिकट दो, हमें नेतृत्व दो, हमें पद दो, ये मांगने के बजाय जनता ने हमको सपोर्ट देना, रिकग्निशन देना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Respect should not be demanded, it should be commanded. If you deserve for it, you will get it. तो मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी सामान्य व्यक्ति हूँ आप जैसा ही, और एक बार जिससे दोस्ती होती है मैं कभी हाथ छोड़ता नहीं, नानिक भाई है, विजय जी है, प्रताप मोटवानी है, डॉक्टर रुगवानी, सबसे तो मेरा परिचय ही है, पर एक बार मैं अपने हिसाब से ही चलता हूँ और कन्विक्शन के साथ मैं देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे मेरी खुशी की बात वही होती है कि 1 करोड़ लोग हमारे देश में साइकिल रिक्शा चलाते थे, और मैं बचपन में देखता था कि वो चढ़ावा पर जब वो खींचता है रिक्शा, हमारे यहाँ तिलक पुतले में आपका झूलेलाल मंदिर है, उसके पहले एक चढ़ाव आता है जी, वहां अक्सर वो रिक्शा में जाते थे तो बहुत दुख होता था, तो मैं चाहता था ये कभी कभी बंद होना चाहिए, तो मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई, और आज 1 करोड़ में से 50 लोग मुक्त हुए, वो अभी ई रिक्शा चलाने लगे, ये मेरे लाइफ में सबसे आनंद का क्षण है। अब मैं ई इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बाइक और बायोफ्यूल पे काफी काम करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है, मुझे लगता है शायद वो हिंदी सब समझेंगे या नहीं, तो थोड़ा अंग्रेजी में बोलूंगा तो समझेंगे जी जी। इट इज अ
pleasure and pride for me to interact with all the our brothers and sisters, particularly from the Sindhi society. I really respect them. One of the important thing I always appreciate, the way in which they develop their business. Their entrepreneurship is well recognized, and many of the people are doing excellent jobs in Hong Kong, in Malaysia, in Indonesia. When I got opportunity to visit Indonesia, Malaysia, Singapore, Japan, Nanik was with me. I have seen that lot of entrepreneurs, particularly really from the Sindhi community, doing excellent jobs. So actually, they are true nationalists, and it is a great pride for all of us. Entrepreneurship is well recognized. People of origin, of our Indian origin, who are doing excellent jobs in, and particularly in the Western countries, even in Southeast Asia, it is really a great thing for the country. So this entrepreneurship is very important, which is from your particularly Sindhi Samaj has given a good leadership to the world, economic leadership, who are doing excellent jobs. I really appreciate all of you. It is a pleasure and pride for me to interact with you. I am giving my all best wishes to all of you for your great success. Sir, thank you. कुछ सवाल हैं जो नितिन भाई साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज आपका हमारे साथ सिर्फ एक ही घंटा, हम तो चाहते थे कि अगर आपसे परमिशन मिलती तो हम शायद दो घंटे का प्रोग्राम करते थे, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं सर, इसीलिए अभी आपने मध्य प्रदेश के अंदर एक नेशनल हाईवे का इनॉग्रेशन किया था और नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के अंदर करीब 3,000 करोड़ रुपए का पूरा आपने ये पूरा काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहेंगे सर आप पब्लिक को? अभी तो कोई डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां भी जाओगे वर्ल्ड देश में तो वहां सब जगह, मैं विदेशों में भी काम कर रहा हूं जी, म्यांमार को जोड़ने वाला रास्ता बना रहा हूं जी, मैंने ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग पूरा किया और बांग्लादेश में घुसकर मुंगली पोर्ट का ड्रेजिंग किया 250 करोड़ रुपए खर्चा करके, बैराक रिवर का काम किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में 3,000 नहीं, मैं कम से कम 70,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा और ब्रह्मपुत्रा पर मैं 5 ब्रिजेस बना रहा हूँ, गंगा के ऊपर 6 ब्रिजेस बना रहा हूँ बड़े बड़े। तो अब तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है और ये मुझे काम करने का अवसर पार्टी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ। और मैं आपको इतना ही कहूंगा क्योंकि हमारे विदेश में रहने वाले भी हमारे भाई बहने सुन रहे हैं कि 2 साल के बाद आपको जब हिंदुस्तान में आओगे तो रोड पर जब घूमोगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज में आप घूमते हो, जिस प्रकार के अच्छे रोड आपने अमेरिका में, यूके में, फ्रांस, जर्मनी में देखे हैं और इंडोनेशिया, मलेशिया में देखे हैं, उसी प्रकार के रोड और उससे भी कई गुना अच्छे रोड आपको हिंदुस्तान के सभी राज्यों में देखने के लिए मिलेंगे, इतना मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, ताकि हमारा देश आगे जा रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, इसका सबको आनंद होगा। मैं अभी चंबल एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ मध्य प्रदेश में, उसका भी अध्ययन चल रहा है, परसों ही मैंने 21,000 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ भी किया, इनॉग्रेशन भी किया है। तो आप बिहार में जाइए, अभी पटना में हमने एक ब्रिज बनाया बहुत अच्छा, अभी उसका काम भी शुरू है, दूसरा अभी गंगा पर करीब 4-5 ब्रिजेस बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह अभी जलमार्ग बना लिया है वाराणसी से हल्दिया, 1380 किलोमीटर का जलमार्ग पूरा किया। इस बार कुंभ में गंगा पहली बार अविरल निर्मल थी, 70% गंगा शुद्ध थी, सबको बहुत अच्छा अनुभव आया, तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला है। और अभी ये जलमार्ग इलाहाबाद से वाराणसी भी पूरा हुआ है, अब मेरा प्लानिंग था, अभी वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, पर मैंने वो वर्ल्ड बैंक में प्रोजेक्ट सबमिट किया है कि वहां से अपने दिल्ली से, यमुना से हम लोग दिल्ली से निकलेंगे, यमुना से तो मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, और मेरा एक सपना था कि हम लोग सी प्लेन से, यानी पानी पर उतरने वाले एमपीबीएस सी प्लेन से दिल्ली से यमुना से उड़ेंगे और 20 मिनट में हम आगरा ताजमहल के पीछे उतर जाएंगे, ताजमहल 1 घंटे में देखेंगे, फिर आके बैठेंगे और 20 मिनट में दिल्ली आ जाएंगे। तो अब वो भी सपना दूर नहीं है, जल्दी वो भी पूरा होगा, और बहुत काम मुझे करने का मौका मिला और अब ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सर आप लोग जब आएंगे तो आपको सब अच्छा काम दिखेगा। सर अभी नरेंद्र मोदी साहब हैज पुश्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, किड्स टॉयज, मतलब व्हाट इज द मेन की फैक्टर कि मतलब वो जो टॉय फैक्ट्री, मतलब यानी कि बच्चों का जो मेंटली एंड फिजिकली हाउ दे कैन बी स्ट्रॉन्ग, मतलब उसके बारे में कुछ आप लाइट डालना चाहेंगे
नितिन सर? देखिए ये काम एमएसएमई में आता है जी, और हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के टॉयज बनाते हैं, कई 500 कई हजार लोग काम करते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, कोई लकड़ी के बनाते हैं, साउथ में कर्नाटक में है, कुछ तमिलनाडु में है जी, कुछ यूपी में है, कुछ बाहुलिया अलग प्रकार की टॉल्स बनाती है, तो वो अलग अलग जगह पर वो बनती है डॉल्स। तो ये क्या है कि अब इसको चाइना से बीच में प्लास्टिक के इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स आने लगे, अभी पिचकारियां भी आने लगी थी जी। तो अभी हमने तय किया कि अभी हमारे देश में ये सब बनेगा, पर इसके लिए क्या है प्रोडक्ट डिजाइनिंग की आवश्यकता है, बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल उपलब्ध है वो भी, और बाकी का भी रॉ मटेरियल लाकर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक से लेकर लकड़ी तक अलग अलग प्रकार में करने चाहिए। दूसरा फिर उन्होंने थीम दिया प्रधानमंत्री जी ने कि जैसे अभी महाभारत युद्ध है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर हम महाभारत का युद्ध टॉयज में रूपांतरित कर, तो हमारे बच्चों को अर्जुन मालूम होगा, भीम मालूम होगा, द्रोणाचार्य मालूम होंगे, फिर रामायण के ऊपर कुछ होगा, तो धीरे धीरे हमारे इतिहास संस्कृति और विरासत के साथ हमारे टॉयज को भी जोड़ना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को हमारा इतिहास मालूम हो जी। अब जैसे झूलेलाल जी के ऊपर आपका हमारी सबकी श्रद्धा है जी, तो उनके जीवन पर उनके किए हुए इस पर कोई टॉयज बनेगा तो छोटे बच्चे उसको समझेंगे कि ये क्या हुआ था, इसके पीछे कहानी क्या थी। तो अब उस प्रकार का इनोवेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, यूजिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज करना, और साथ के साथ इसके प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम होगा आइकिया ने हैदराबाद में मॉल खोला तो फर्नीचर में 3 दिन तक भीड़ थी, और हमारे देश में अब नए नए डिजाइन्स आकर हम अलग अलग प्रकार के टॉयज बनाए। और मैं विशेष रूप से आपके मार्फत 97 देशों में जो हमारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वहां रहते हैं उनको अनुरोध करूंगा कि आप जहां वो भी धंधा कर रहे हो वहां की टेक्नोलॉजी लेकर आप हिंदुस्तान में आइए, यहाँ एमएसएमई में ज्वाइंट वेंचर करके आपके इंडस्ट्री को शुरू करिए, हम आपको मदद करेंगे, और यहाँ प्रोडक्ट को तैयार करने में कॉस्ट भी कम होगी, लेबर कॉस्ट भी कम है, इंजीनियरिंग एंड स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है, सबसे यंग टैलेंटेड स्किल्ड इंजीनियरिंग मैन पावर अब हिंदुस्तान में है, तो सॉफ्टवेयर का भी अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छा है। आप अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स लेकर हिंदुस्तान में आइए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डालिए, आपको निश्चित रूप से इसे एक्सपोर्ट कर सकेंगे, कॉस्ट भी कम होगी। तो अब इसमें काफी रिसर्च इनोवेशन के साथ ये काम कर रहे हैं, तो ये एक बार टॉयज इंडस्ट्री भी ये 10,000 करोड़ की बन सकती है जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता है जी। तो ऐसे हम अलग क्लस्टर कर रहे हैं, जैसे जूते चप्पल में भी बहुत से लोग आपके इसमें से काम करते हैं जी। हमारी टोटल इंडस्ट्री लेदर और शूज और जूतों की 1,45,000 करोड़ की है, वो भी एमएसएमई में आती है, और उसमें 85,000 करोड़ हमारा डोमेस्टिक मार्केट है और 45,000 से 55,000 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। तो इसमें भी अलग अलग डिजाइन है, अभी जयपुर में, राजस्थान में वो कपड़े की जूती बना रही है, कुछ सिंथेटिक मटेरियल नए नए उसके बन रही है, उसके सोल्स बन रहे हैं, चमड़े के अलग अलग प्रकार की चीजें बन रही है। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट मार्केट में 101% गुड क्वालिटी, गुड पैकेजिंग, डिलीवरी ऑन टाइम, गुड डिजाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और अब हमारे देश में ये सब क्षमता हम बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड में सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वह हमसे अपने प्रोडक्ट को अगर यहाँ लाते हैं और डेवलप करते हैं तो कॉस्ट में कम होगा, तो वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। एक समय चाइना के तरफ सब दुनिया का ध्यान था, पर अब लोग चाइना के साथ जाना नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान ये बेस्ट डेस्टिनी है, और सभी इन्वेस्टर सक्सेसफुल बिजनेसमैन अब हिंदुस्तान में आए और अपने उपक्रम को यहाँ शुरू करें, यही मेरा आप सबसे उनसे अनुरोध है। सर, योर मिशन फॉर द ग्रीनर हाईवेज, एक आपने हरित पथ ऐप का इनोग्रेशन किया था सर कुछ रिसेंटली, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप सर? देखिए हमारे रोड पर अब तो पहली बात तो ऐसे कि रोड बनते हैं तो अभी ग्रीन अलाइनमेंट है, जैसे हमने पहले नया रोड बना रहे, जैसे अभी सूरत से नासिक और अहमदनगर को जोड़कर एक रोड बना रहे, तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली से बेंगलोर और चेन्नई जाना है तो सूरत से पलट कर आप चले जाएंगे। तो अब इस प्रकार के अलग रोड हम 22 रोड बना रहे ग्रीन हाईवेज, अब इसमें पेड़ काटने पड़ते हैं, तो
तो मैंने ये तय किया है कि अब पेड़ काटेंगे नहीं, प्लेट ट्रांसप्लांट करेंगे। जैसे रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, वैसे 2-3 हजार प्लेट ट्रांसप्लांट करने वाले कॉन्ट्रैक्टर करके उसको दूसरी जगह लगाने की कोशिश करेंगे। तो अभी मुझे ऑफिसर ने कहा कि 50-60% तो पक्का ट्रांसप्लांट करेंगे। तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी डेवलप करो, एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। दूसरी बात, रोड के बाजू में हम लोग पेड़ लगाना चाहते हैं जी। और अभी हम लोग इलेक्ट्रिक हाईवे भी बना रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ट्रक बस इलेक्ट्रिक पर चलेगी जी। तो अलग अलग, फिर अभी एलएनजी को फ्यूल करके हम ट्रक डीजल बसेस, डीजल ट्रक और बसेस को जो लॉन्ग जर्नी पे जाती है उनको एलएनजी पे ट्रांसफर करने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि एलएनजी सस्ता भी है और कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन करने वाला फ्यूल है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी मेरे पास है। तो अलग अलग प्रकार की ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर ग्रीनरी कैसे एस्टेब्लिश करें, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इसमें अभी किसानों भी जो वेस्ट लैंड पड़ी हुई है जहाँ एक भी पेड़ नहीं है, वहां बांबू लगाया जा सकता है जी। अब बांबू के का बांबू से बायो इथेनॉल बनता है, बांबू से कपड़ा बनता है, तो बांबू ये हमारे लिए रोजगार का साधन हो सकता है। अभी सीमेंट वाले बांबू यूज कर रहे हैं, पेपर वाले बांबू लगेगा। अब क्या है कि हमारे एग्रीकल्चर में सरप्लस हो गया है, चावल सरप्लस, वीट सरप्लस, शुगर सरप्लस। अब अभी शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए 6,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। तो वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो अब उसमें से हम लोग अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाएंगे, उसमें फ्रूट्स भी आएंगे, तो निश्चित रूप से ग्रीनरी आएगी, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ ले लेंगे, तो हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट सुधरेगा। और ये बहुत जरूरी है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये परली बोलते हैं, राइस स्ट्रॉ जी, हमारे महाराष्ट्र में जिसको तनस कहते हैं, वो पैकेजिंग में आता है। अब उससे हम लोग बायो सीएनजी बनाने की टेक्नोलॉजी लाई है, ताकि वो जलाकर जो प्रदूषण होता है वो नहीं होगा। तो कैसा है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था और जीवन पद्धति तीन बातों पर डिपेंड करती है, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और इथिक्स, इथिक्स जो है वो संस्कार, इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिलेंगे, कमिटमेंट, क्योंकि केवल भौतिक प्रगति से काम नहीं होगा। Correct. हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत के संस्कार भी हमारे नई पीढ़ी पर होने चाहिए, उसके लिए इथिक्स आवश्यक है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट यानी जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति होकर एक सस्टेनेबल अच्छी जीवन चाहिए जी। और तीसरी बात इकोनॉमी भी, जिसमें रोजगार है, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, समृद्धता, संपन्नता देश के लिए भी आएगी, लोगों के लिए आएगी जी। तो तीनों का समन्वय करके हमको आगे जाना होगा, और वही बात हम लोग इन सब प्रयासों से करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो आत्मनिर्भर इंडिया के लिए जो शुरुआत हुई है, इसके लिए हम अपने आज के यूथ को कैसे पुश कर सकते हैं? क्या हमारे कॉलेजेस में कुछ डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर खोलने चाहिए, जहां पे उन्हें इनोवेशन के साथ साथ कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ में वो लोग कोलैबोरेशन कर सकें, एंड यूथ कैन टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट? देखिए, लोग तो ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं जी, छोटे छोटे लोग इनोवेशन में, रिसर्च में बहुत काम कर रहे हैं। देखिए, दो प्रकार की फिलोसॉफी को मैं बहुत प्रोपोगेट करता हूँ सर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज अ नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। करेक्ट। अभी मैंने थोड़े देर पहले आपके यहाँ आने के पहले अभी मैंने एक वेंटिलेटर का लॉन्चिंग किया जी। ये स्पाइस जेट के मालिक है अजय सिंह जी, तो मेरे मित्र है, उन्होंने बनाया स्पाइस ऑक्सी करके, और वो छोटा सा है, उसकी कीमत भी बहुत कम है। हमारे अनेक शहरों में वो नहीं है, तो ये छोटा सा वेंटिलेटर ऑक्सीजन दे सकता है, लोगों की जान बचा सकता है। अभी मैंने परसों एक नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट की आईएएस ऑफिसर मेरे पास आए, क्योंकि हमारे स्टेट में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, तो मुझे बड़ा अचंभे में आया। तो हमारे देश के लोगों ने रिसर्च किया, तो मुझे लगता है कि अभी हमारी यहाँ से एक समय हम लोग पीपी किट इम्पोर्ट कर रहे थे, अभी हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए जी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत तेजी से हमारे यहाँ रिसर्च हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो मुझे लगता है इसको सबको हम इनकरेज कर रहे हैं, और विदेशों से कोई टेक्नोलॉजी होगी तो ज्वाइंट वेंचर से वो भी टेक्नोलॉजी आ सकती है। दूसरी बात, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हम हिंदुस्तान में बना सकते हैं, तो हमारे में क्षमता है,
और उसका उपयोग करके अगर उन लोगों को प्रपोज अगर ये मिलेगा तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी सेंटर्स आ रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग का सेंटर चालू हो गया है, खूब बड़े प्रमाण पर ये काम चल रहा है और ज्यादा करने की आवश्यकता है। और इसमें समाज के भी संस्थाओं ने आगे आने चाहिए। जैसे अभी कोई स्कूल कॉलेज खोलता था जी, अब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कूल खोलो, मैं देश में हर जिले में एक बनाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हूँ। फिर फिटनेस सेंटर भी खोलेंगे तो क्या होगा कि ये फिटनेस सेंटर खोलेंगे, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे, इससे रोजगार मिलेगा। तो अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ छोटे छोटे लोग शेप, अच्छे शेप की भी जरूरत है जो वर्ल्ड में जाके अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कनाडा में वैनकोर के पास और उधर काफी जंगलों में गया था, तो वहां के होटल्स में फाइव स्टार होटल में मुझे भारतीय शेप मिले जो यहाँ देहरादून से और यूपी वाले वहां काम कर रहे थे। तो जो भी हुनर सीखेंगे उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था, ये हमारी प्राथमिकता है। और वो भी रोजगार गांव गरीब मजदूर किसान के लिए, विलेज इंडस्ट्री जी, एग्रीकल्चर रूरल और ट्राइबल एरिया 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वहां रोजगार निर्माण हो, उसकी नीति को सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। और इससे जो डेवलपमेंट होगी उससे आत्मनिर्भर भारत की ओर जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, अब डिफेंस में काफी प्रोडक्ट्स ओपन हो गए, तो इन सब क्षेत्रों में नए नए लोग आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, तो इससे ही हम एक सामर्थ्यवान शक्तिशाली हिंदुस्तान बनेंगे, यही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है। नितिन भाई साहब, यू आर अ टोटली एनसाइक्लोपीडिया, मुझे नहीं पता है कि आप कुछ भी देख करके बोल रहे हैं, आप के यहाँ और यहाँ सब कुछ है। सर, इंडियन मार्केट रिकवरी पोस्ट लॉकडाउन, आपको क्या लगता है, मतलब सर कि आपकी एडवाइस क्या रहेगी? देखिए, हमारी हालत इस समय काफी अड़चनों से हम गुजर रहे हैं जी। इस समय अड़चन में कौन नहीं है, हमारे राज्य सरकार कुछ ऐसे कि जिनको अगले माह में तनख्वाह देने के लिए फंड शॉर्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये संकट ही ऐसा है कि केवल हमारे ऊपर नहीं आया, पूरे विश्व पर आया है। और इसमें हमारे बिजनेस, हमारा मैन्युफैक्चरिंग, हमारा मार्केट, हमारे कॉन्ट्रैक्ट सब बंद थे, सब जगह सभी लोग अड़चन में है। पर मैं ये मानता हूँ कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता थी जी, कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा सर। और दूसरी बात, एक अच्छी कविता थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करेक्ट। और तीसरी कविता थी हम होंगे कामयाब जी। तो इस स्थिति से हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है, रोड के काम शुरू हो गए, दुकानें शुरू हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोविड 19 जी। अब क्या है कि ये परिस्थितियां ऐसी है, जब तक वैक्सीन नहीं मिलता हमें इससे मार्ग निकालने में अभी वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही वैक्सीन मिलेगा। तो मैं तीन बातें आपको सुझाऊंगा सर। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ये बहुत आवश्यक है। निगेटिविटी, फियर, डर, इससे बहुत नुकसान हुआ है। मुंबई से लोग पैदल पटना की तरफ निकल गए डर के कारण। तो पहली बात, पॉजिटिविटी तैयार करें, सकारात्मकता तैयार करें। दूसरी बात, नकारात्मकता को बिल्कुल समाप्त करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, और हम लोग संकट पर मात करके हम जीतेंगे इस विश्वास के साथ आगे जाएं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है, काफी बातें नियमित हो रही है, और जल्दी हम आएंगे। पर इस समय काफी नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री का हुआ है, उद्योगों का हुआ है, दुकानों का हुआ है, सभी का हुआ है। नानक भाई मुझे हॉस्पिटल की बात बता रहे थे, लीलावती से लेकर सब हॉस्पिटल वाले अड़चन में आए हैं। एवरीवेयर गडकरी जी, सब हॉस्पिटल बंद हो रही है, आज भी अनाउंस किया है, सब आप बॉम्बे में या मुंबई में कोई हॉस्पिटल चल नहीं सकेगी, वी आर लूजिंग 60 लाख। पता है कि एवरीवन इज इन प्रॉब्लम, पर मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ, देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। निराश न होते हुए, निगेटिव न होते हुए, हम प्रॉब्लम्स है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, अड़चने हैं, समस्या है, और काफी बातें भी है, आपकी सच्चाई भी है, फिर भी इस पर बात करके हम विजयी होकर आगे जाएंगे। हम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एस्टेब्लिश करेंगे और हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब। इस स्पिरिट से हमको आगे जाना पड़ेगा, निराशा और निगेटिविटी से कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ देर आर प्रॉब्लम, समस्याएं गंभीर है, पर हमारे में क्षमता है, ये करके हम आगे जाएंगे, इस स्पिरिट से जाना चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। राजू, कैन आई कम फॉर अ मिनट? राजू, आई गॉट सम नानक भैया। यस नानक भैया, गडकरी जी, आई हैव बीन वर्किंग विद मेनी सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिंधी हैव बीन वेरी
सक्सेसफुल इन ऑल एंटरप्राइज बिजनेस सब जगह. वो लोग बोलते हैं हम पॉलिटिक्स में वी आर लाइक एन ऑर्फन, हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बिकॉज वी डोंट हैव दैट यू नो वोट बैंक. बोलते हैं हम हर जगह पूरे वर्ल्ड में सब जगह देयर आर वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस हु हैव मेड यू नो रिमार्क सम मार्क इन इंडियन पॉलिटिक्स. उसके बारे में आप उनको क्या सलाह देंगे, क्योंकि ये बहुत फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आज कास्ट सिस्टम इतना है, मैं इनको वोट दूंगा, यू नो हम क्षत्रियों को देंगे उसको नहीं देंगे. ये मेरे लिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और आपका और मेरा रिलेशन देखे बोलते हैं गडकरी जी से ये सवाल पूछो हाउ दे कैन कम इन द मेनस्ट्रीम. वी आर इन मेनस्ट्रीम इन एवरीथिंग. कोई मेनस्ट्रीम में आता नहीं और कोई तय करके आएगा भी नहीं. देखो जात पंथ धर्म भाषा इससे ऊपर उठकर समाज में जो अच्छे काम करते वो आगे आते ही है. अब एल के अडवाणी सिंधी समाज के थे, कितने दिनों तक हमारे प्रमुख नेता रहे मुझे बताइए. राम जेठवाला ने जहां से चुनकर आए या जहां गए खड़े हुए वहां कितने सिंधी समाज के लोग थे. पहली बात देखिए कि जिसमें क्षमता होगी अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपनी एबिलिटी को और क्षमता को बढ़ाना चाहिए. और अपनी क्षमता को जब बढ़ाते हैं, अभी इंदौर के खासदार सांसद है जी, वो सिंधी समाज के हैं जी, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, पर उन्होंने अपने नेतृत्व में लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया. सुमित्रा महाजन जी के बाद उनका नाम आगे आया, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया. तो एक बात जैसा आप कहते हैं आपका टर्नओवर क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका दुकान अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है. तो राजनीति में भी आपको नेतृत्व अगर बढ़ाना है तो उसी हिसाब से सेवा का काम, शिक्षा का काम, लोगों को जोड़ने का काम, उनको मदद करने का काम. और आप एक अच्छी लीडरशिप दो ना, लोग एक्सेप्ट करेंगे. देखो कोई डॉक्टर के पास जाता है तो कोई ये नहीं कहता मेरे जात वाला डॉक्टर चाहिए, उसको कोई भी चलता बोलता मुझे बेस्ट डॉक्टर चाहिए जी. तो ये जो बात है, वैसे बेस्ट पॉलिटिशियन बन सकते हैं पर उन्होंने आत्मपरीक्षण करना चाहिए. कुछ लोग क्या करते हैं कि एम्बिशन बहुत बड़ी रखते हैं पर उसके अनुसार वो उतने परिश्रम नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएंगे. अभी मैं जो आपने मुझे पहले पूछा था, मैं पोस्टर चिपकाता था तो साइकिल पे जाकर रात को पोस्टर और दीवाले लिखता था. वो विजय केवलराम जी को पता है, वो मेरे साथ काम करते थे उस समय. तो दीवारों पर पोस्टर चिपकाता था, दीवारों पर मेरा हस्ताक्षर गंदा था तो मैं चूना मारने का काम करता था और अच्छे लोग जो थे वो गेरू और नील से लिखने का काम करते थे. और मैं कभी दिल्ली आया नहीं, मैंने अपना बायोडाटा जिंदगी भर किसी को नहीं दिया और देता भी नहीं. और मैं भी लोकसभा से चुन के आया और मैं पब्लिक को कहता हूं कि आपको ठीक लगे तो मुझे वोट देना, नहीं तो जब दिन बदलना है बदल देना, कोई मैं रहूं ऐसा थोड़ी है. तो मैं ये मानता हूं कि लोग जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर अगर आप काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे तो काम होगा ही. ऑनेस्टी पेशेंस एंड क्लैरिटी ये बिजनेस में भी काम करती है ना. कोई अच्छा का नाम होगा तो वो चलता ही है, वो काम होता ही है. तो मुझे लगता है ये जो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें देखो भाई हमारे कम्युनिटी के लोग कम है इसलिए हमको राजनीति में अवसर नहीं मिलता, ये गलत है. देखो जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर जो अपनी कैपेबिलिटी को, पोटेंशियल को, परफॉर्मेंस को और समाज के सामने दिखाता है उसको यश मिलता ही है. और इसलिए मैं एक मत का हूं कि कई अपनी जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर कोई फेवर नहीं मांगना चाहिए. इंसान के आधार पर मांगना चाहिए कि भाई देखो मेरा ये कन्विक्शन मेरा, मैं ये जानता हूं कि मैं भी अब नागपुर में हूं तो कहां मेरे जात वाले लोग ज्यादा है और मेरे को वोट देने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो मुझे वोट देते हैं, जो जात पंथ धर्म भाषा को छोड़कर भी देते हैं. तो मैं अगर चुनाव हार रहा था तो मैं कह रहा था कि मेरी सेवा कम पड़ी. अगर मैं हारता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि लोगों को अच्छे आदमी की कदर नहीं, ये प्रतिक्रिया लोग देते हैं. मैं कहता हूं मैं अच्छा हूं कि नहीं हूं ये अलग बात है, पर मेरी सेवा कम पड़ी है. अब लोगों के मन में मेरे जीतने के लिए जो विश्वास मैंने पैदा करना चाहिए वो मैं नहीं कर सका, मुझे और काम करने की आवश्यकता है. आप कैसे बिजनेस में आते हैं, घर में कोई पिताजी के पास पैसा, एक छोटा सा लड़का सामने आता और एक छोटा प्रोडक्ट निकालकर करोड़ों का टर्नओवर करता है तो वह इसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसका परफॉर्मेंस, उसका पोटेंशियल, उसके इनहेरेंट स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, वो प्रूव होता है. तो ये नानिंग भाई को मैं कहता हूँ कि भाई ये समाज वगैरह बात छोड़ दो, ये अपना क्वालिटी होगी तो आता ही है, लोग आएंगे ही आगे. अभी वो पूना में थे हमारे, क्या नाम था वो जो अभी नहीं है बेचारे, अतुर संता,
पूना में वो कितना रिकॉग्नाइज थे, रिस्पेक्टफुल थे, सब पूना में उनको सपोर्ट मिलता था, तो क्या सिंधी कम्युनिटी के ऊपर थोड़े मिलता था? He was well recognized and respectable in Pune and Maharashtra politics. अब राम जेठमलानी भी कहां कहां गए, चुनाव लड़े, जो भी उनके व्यक्तित्व में जो कुछ था तो वो जीते चुनाव। तो अडवाणी जी गांधीनगर गए, वहां से चुनाव जीते। तो मुझे क्या लगता है कि यू हैव टू प्रूव योर एबिलिटी, और जो आदमी अपनी एबिलिटी प्रूव नहीं कर सकते फिर वो अपने समाधान के लिए कहते हमारे समाज के लोग नहीं है, हमारा तो ऊपर में कोई सोचता नहीं है। तो छोटे छोटे कारपोरेटर से लेकर एमएलए से लेकर आपको परिश्रम करना होगा। अब कुछ लोग नसीबवान होते हैं पॉलिटिक्स में, जो माता और पिता के कारण उनका पॉलिटिक्स में एंट्री होती है, पर कुछ लोग ऐसे हैं, अभी मेरी माँ थोड़ी एमएलए थी, मेरे पिता एमपी भी नहीं थे, तो मैं भी सामान्य परिवार से आया। तो देखो मैं मेहनत की, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जिस चेयर पर बैठे उसमें बैठने का मौका मिलेगा, और मैं दिल्ली के रोड भी मुझे मालूम नहीं थे मैं जब दिल्ली आया। तो देखो काम करना चाहिए, कर्मण्ये वा अधिकारे से मा फलेषु कदाचन, तो काम करेंगे तो कुछ मिलेगा ही। एक सवाल और है सर आपके लिए कि ये जो पारदर्शी टैक्सेशन इन इंडिया, व्हाट इज द रिफॉर्म नीडेड टू पोजीशन इंडिया इन द ग्लोबल साइड, सर इस बारे में कुछ? अभी ईज ऑफ बिजनेस में वर्ल्ड बैंक ने हमारे रैंक को काफी ऊपर किया जी। अभी हमको डिजिटलाइज सिस्टम करनी चाहिए सब जगह पर। कोई ऑफिस में आना है, आप देखो आप हम बैंक में जा रहे क्या? मुझे याद नहीं है कि मैं अभी पिछले 5-7-8 साल में बैंक में नहीं गया हूँ। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफिस में आना बंद हो, पूरा डिजिटलाइज हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, करप्शन फ्री हो जाए। अभी मैं 17 लाख करोड़ के काम पिछले 5 साल में करा मैंने किया मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक भी कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास नहीं आया। और मैं ये आपके सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक रुपया को किसी को मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। नो करप्शन, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम बदल दिया हमने। तो ये हम धीरे धीरे सब जगह इसी सिस्टम लाए कि जो ट्रांसपेरेंट हो, टाइम बाउंड हो, करप्शन फ्री हो। और इसमें काफी सुधार भी कर रहे, मोदी जी का भी आग्रह होता है ईज ऑफ बिजनेस में, और काफी बड़े प्रमाण पर चल रहा है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें काफी सुधार होगा। सर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो आप बता रहे थे, व्हाट इज द स्कोप इन इंडिया इन द फ्यूचर? कुछ नहीं जी, आप सब जगह दिख जाएगा 2 साल में। Yes. अभी वो स्पाइस जेट वाले अजय सिंह मुझे बता रहे थे कि मेरे एयरपोर्ट पे छोटी गाड़ी से लेकर बस तक पूरी इलेक्ट्रिक की है। देखो मैंने एक एसयूवी खरीदी की जी, मेरे यहाँ 12,000 से 13,000 रुपए पेट्रोल लगता था। एक लॉन्च की मैंने एसयूवी, वो कौन सा कंपनी है उनके, एक मैंने लॉन्च की, तो मैंने कहा मुझे भी एक लेना है, तो मैंने उनसे खरीदी जी। वो मेरा 700 रुपए खर्चा इलेक्ट्रिक का, 13,000 रुपए पेट्रोल का आता था। अब मैं नेचुरली, अब मेरी अगर 12,000 रुपए महीने की बचत है तो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक लेने वाला हूँ। और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही है बड़े प्रमाण पर, ये होना ही है। इसके लिए कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं है। ये हर आदमी को समझता है कि मैं अगर 40,000 रुपए पेट्रोल पे खर्चा कर रहा हूँ और ये मेरा काम अगर 1,000-2,000 में हो जाएगा तो ये किसी डॉक्टर को और किसी व्यापारी को कहने की आवश्यकता नहीं, वो खरीदने वाला ही है। और धीरे धीरे इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक सब आ रहा है। और मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने गाड़ियां अभी कन्वर्ट की सीएनजी पर 80, और अब जब 400 हो जाएगी तो हमारा 60 करोड़ का घाटा कम हो जाएगा महानगर पालिका का। और ये डीजल की गाड़ियां बायो सीएनजी पर कन्वर्ट कर रहे हो, हमने हमारा टॉयलेट का पानी बेच दिया महाराष्ट्र सरकार को, बिजली बोर्ड को, तो हमें 325 करोड़ रुपए मिल रहे। अब मेरा ड्रीम है कि उस पानी से मिथेन निकालकर CO2 अलग करके 450 बसेस में नागपुर की चलाओ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। यही इनोवेशन होता है, यही रिसर्च होता है। धीरे धीरे ये नेचुरल प्रोसेस में होता है, इसमें कोई, आप देखो अभी अगले 2 साल में आपको सब जगह इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक दिखेगी, अलग अलग प्रकार के फ्यूल दिखेंगे, अपना इम्पोर्ट कम होगा, हमारे देश के किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय देंगे और पोल्यूशन भी कम होगा। आखिरी सवाल सर, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट जो अभी आपने शुरू किया था सर कि पार्किंग नो पार्किंग का हेवी ये वो, काफी लोग डरने लग गए थे, प्रॉपरली पार्किंग करने लगे थे, सिग्नल के पहले रुकने लग गए थे, उसको वापस हम लोगों ने थोड़ा सा स्लो छोड़ दिया, मे बी द व्हाटएवर द रीजंस आर। और आपके हिसाब से सर कि रोड सेफ्टी
how we can increase at the international level kind of thing in our India. नहीं कुछ कम नहीं हुआ ये काफी अब अच्छी चल रहा अभी थोड़ा सा कोविड का काल था आपको पता है कि देश में कोविड के काल में मरने वालों की संख्या कम हुई है okay. हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होती है साल भर में 1.5 लाख मौतें होती थी अब कोविड के कारण एकदम मरने वालों की संख्या एक्सीडेंट में एकदम प्रमाण कम हो गया पर अभी तमिलनाडु की सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ब्लैक स्पॉट सुधारे और बाकी काफी अच्छा काम हुआ तो वहां 25% डेथ्स कम हो गई एक्सीडेंट 25% कम हो गए अब देश में धीरे धीरे काफी बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट कम हो रहे हैं अबे हमारे स्क्वायर पर कैमरे लगे हैं ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम पूरे शहरों में लग रही है तो अब आपको पुलिस वालों को आप मैनेज कर सकते अभी किसी को मैनेज नहीं कर सकोगे एक बार फोटो आ गया आपके नंबर प्लेट आ जाएगी आपको चालान आ जाएगा तो ये काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हो गया है और आने वाले समय में एक्सीडेंट भी कम करने का मेरा एक संकल्प है कि कम से कम मैं 50% एक्सीडेंट कम करने का प्रयास कर रहा हूं रोड सेफ्टी में शायद एक आध दो साल में मैं ये निश्चित रूप से टारगेट पूरा करूंगा ऐसा मुझे विश्वास है सर आज जो ये 97 कंट्रीज के हमारे भाई बहन आपको सुन रहे हैं सर ये प्रोग्राम जो एपिसोड नंबर 41 स्वेना सिंधी पुणे और विश्व सिंधी सेवा संगम आपके सामने लेके आया है इन सिंधी भाई बहनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर देखिए मैं तो उनको कहूंगा कि कभी भी जरूर देश में आइए उद्योग व्यवसाय शुरू करिए इन्वेस्टमेंट करिए एमएसएमई में आइए नई नई टेक्नोलॉजी लाइए आपको जो भी सहयोग लगेगा डायरेक्ट मेरे को मिलिए आपको कोई भी अड़चन आएगी तो हम पूरी मदद करेंगे इस समय देश में लिक्विडिटी बहुत कम है और इस समय कैपिटल और लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा रोजगार की क्षमता बढ़ेगी रोजगार की क्षमता बढ़ेगी तो गरीबी दूर होगी और हमारे देश की पटरी पर गाड़ी जरूर जल्दी आएगी तो निश्चित रूप से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करिए टेक्नोलॉजी लाइए और देश में जरूर आप वहां भी रहिए पर यहाँ भी कुछ काम शुरू करिए यही मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा और फिर से एक बार आप सब कोविड-19 पूरे विश्व पर संकट है वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोविड-19 आप बच के रहिए मास्क लगाइए 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करिए और सैनिटाइजर का आते जाते उपयोग करिए और आपको सुरक्षित रखिए यही मैं सबसे अनुरोध करता हूँ और 60 साल के ऊपर जिनकी उम्र है वो तो विशेष रूप से चिंता करिए और मैं कहता हूँ कि आप जरूर चिंता करिए इसमें निश्चित रूप से ये समय निकल जाएगा हमें वैक्सीन मिल जाएगा और वैक्सीन मिलने के बाद हमारा जीवन फिर से नियमित हो जाएगा और जल्दी हम लोग हमारे लाइफ को हम बिल्कुल जल्दी ही ठीक कर पाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं बी सेफ और भगवान आपका कल्याण करे बहुत बहुत धन्यवाद जस्ट 2 मिनट ओनली सर कि लॉकडाउन की एक ये उपलब्धि कि कम से कम ये टेक्नोलॉजी जो कि लॉकडाउन के अंदर आज हम धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डॉक्टर पीताम्बर पीटर ढलवानी साहब का जिन्होंने हमारे समाज का शुरुआत करके हम लोग आपके थ्रू किसी ने सोचा नहीं था कि आज नितिन भाई साहब का 1 घंटा हमें मिलेगा और 1 घंटे के अंदर आपने हमें इतना कुछ समझा दिया इतना कुछ सिखा दिया है नितिन भाई साहब देयर इज नो वर्ड्स फॉर यू सर देयर इज नो वर्ड्स फॉर यू लेकिन मैं बस एक बात मैं भी आपको बताता हूं मैं टेक्नोलॉजी में सेवी नहीं था जी और ज्यादा मैं इसमें नहीं था पर पिछले 4 महीने में मैंने 250 वीडियो कॉन्फ्रेंस की और करीब मैं केवल मेरे वीसी के द्वारा 30 करोड़ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो पब्लिक रैली की अलग अलग पार्टी की उसमें एक एक रैली में 80 लाख 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा फिर मैंने जो इंटरव्यू दिए उसके मार्फत लोगों तक पहुंचा तो पहली बार मुझे भी सीखने के लिए मिला कि टेक्नोलॉजी में कितना दम है और आज मैं घर में बैठकर आपसे दिल्ली में मैं हूँ आपसे सबसे बात कर रहा हूँ ये संभव हुआ इट इज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द टेक्नोलॉजी और इसलिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान को विकसित करना यही हमारा फ्यूचर है और नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में करना यही हमारे सबसे बड़ा चैलेंज भी है और हमारा मिशन प्रताप मोटवानी साहब अपने महाराष्ट्र चीफ विश्व सिंधी सेवा संगम के प्लीज स्क्रीन पे आइए और नितिन भाई साहब को धन्यवाद कहिए प्रताप मोटवानी जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तब तक पीटर ढलवानी साहब प्लीज यू कैन कन्वर्ट विजय केवल अमानी साहब बैठे शायद वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं विजय भैया प्लीज कुछ कहना चाहते हैं नितिन भाई साहब को माननीय नितिन जी गडकरी के साथ मैं 13 साल उनके सानिध्य में रहा हूं मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं नितिन जी गडकरी ने जो महाराष्ट्र में रोड निर्माण का महान कार्य किया है इसलिए गडकरी जी को
नितिन जी रोड करी कहा जाता है, महाराष्ट्र के लोग रोड करी संबोधित करते हैं, और केंद्र में महाराष्ट्र में मान्य नितिन जी गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो अजात शत्रु हैं, जिन्हें कांग्रेस वाले, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग वाले सभी अपना मानते हैं, अपना समझते हैं। और जब माननीय नितिन जी गडकरी संसद में अपने कार्य का विवरण देते हैं और वो बताते हैं कि मैंने ये सब कार्य किए हैं, तब कांग्रेस की सम्माननीय मैडम सोनिया गांधी, सम्माननीय श्री राहुल जी गांधी मैज थपथपाकर माननीय नितिन जी का स्वागत करते हैं। तो राष्ट्र के प्रति समर्पित सिंधी समाज के संरक्षक माननीय नितिन जी गडकरी, जिन्होंने मेरी दो इच्छाएं तो पूरी की हैं, मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप महाराष्ट्र के मंत्री बने, वो मंत्री बने, फिर निवेदन